हेलो गाइस, वेलकम टू दी सौंदर्य नर्सिंग। सो आज का हमारा टॉपिक है दी एंडोक्राइन सिस्टम। सो व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम एंड व्हाट आल आर दी एंडोक्राइन सिस्टम्स पार्ट्स टाइप्स। सो अभी हम सब डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सो एंडोक्राइन सिस्टम इज़ प्रेजेंट वेरियस लोकेशन ऑफ दी बॉडी। सो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हमारे बॉडी में वेरियस लोकेशन में प्रेजेंट रहती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है एंड दे कनेक्टेड टू ईच अदर हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल। एंड एंडोक्राइन जो है ईच एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड रहते हैं और ब्लड वेसल्स को हेल्प करने में हेल्प करते, मीन्स ब्लड वेसल्स को हेल्प करते हैं। दे कनेक्टेड टू ईच अदर हेल्प्स ऑफ ब्लड वेसल्स, रिलीज देयर सेक्रेट्स केमिकल हार्मोन इन दी ब्लड। और वो क्या रिलीज करती है, हार्मोन्स को रिलीज करती है इन दी ब्लड। सो व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सेक्रेटेड बाई दी ग्लैंड्स डायरेक्टली इन टू दी ब्लड वेसल्स और स्ट्रीम, राइट। सो हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंसेस है, क्या सेक्रेट करते हैं ग्लैंड। सो ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड वेसल्स और स्ट्रीम्स। हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है और डायरेक्टली ब्लड वेसल या फिर स्ट्रीम को जो है सेक्रेट करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज हार्मोन्स। सो मैं आपको एक डायग्राम में बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हम हार्मोन्स, तो ये हार्मोन्स लाइक दिस, ये सभी क्या है हार्मोन्स। डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे हम। हार्मोन्स आर ए केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस, राइट। सो हार्मोन्स आर ए केमिकल सब्सटेंसेस एंड इट सेक्रेट्स सम ग्लैंड्स। हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है एंड सेक्रेट सम ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स और स्ट्रीम, राइट। सो हार्मोन्स आर वन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस एंड इट सेक्रेट्स बाय द ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड वेसल्स आर स्ट्रीम। सो इट्स कॉल्ड एज ए हार्मोन। हार्मोन्स मीन्स इट रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। हार्मोन क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गन्स को रेगुलेट करती है, लाइक मीन्स हार्ट, लंग्स, किडनी एंड एक्सेट्रा। सो सभी हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है सभी फंक्शंस को डिफरेंट ऑर्गन को डिफरेंट के तरीके से जो रेगुलेट करने में हेल्प करती है, उसका फंक्शंस रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। सो हार्मोन्स एक्ट लाइक मैसेंजर्स मॉलिक्यूल इन दी बॉडी। हार्मोन्स क्या है, एक मैसेंजर की तरह एक्ट करती है। मॉलिक्यूल मीन्स एटम्स प्लस एटम्स मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल। सो हार्मोन्स एक्ट लाइक मैसेंजर्स मॉलिक्यूल इन दी बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं ग्लैंड। सो ग्लैंड इज एन ऑर्गन विच सेक्रेट्स पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस इन दी ब्लड। सो ग्लैंड क्या है, एक ऑर्गन है, मतलब क्या करता है, सेक्रेट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस इन दी ब्लड। एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस को जो है ब्लड में सेक्रेट करने में हेल्प करता है ग्लैंड्स, मींस ए ग्लैंड है। देन हार्मोन्स, राइट, इट्स ए ब्लड वेसल्स, इसे हम क्या एक कौन सा भी ऑर्गन्स मींस लीवर समझ लिए दिस ऑर्गन। सो ग्लैंड्स क्या है, एक ऑर्गन है जो सेक्रेट्स पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस इन दी ब्लड, मींस इसमें ब्लड वेसल्स में। ग्लैंड क्या है, एक ऑर्गन है, सेक्रेट्स पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस इन दी ब्लड, इज कॉल्ड एज दी ग्लैंड। ग्लैंड में थ्री टाइप्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हिटोटरी क्राइन ग्लैंड्स। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। सो अभी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड।
So endo glands that secretes their products directly into the blood rather than through the duct. So endocrine glands क्या है, क्या secrete करती है, some products, right? So glands क्या है, products को directly blood में जो है transport करती है, या फिर rather than through a duct, right? Duct के through जो है transport करती है, या फिर ब्लड के थ्रू. डक्स मीन्स चैनल मैसेंजर, डक मीन्स चैनल मैसेंजर. सो इट्स एंडोक्राइन ग्लैंड. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कितने टाइप्स है, सो टोटली जो है 10 टाइप्स है. फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बॉडीज मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. देन पैनकेरियाज, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एंथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, testis gland and ovary gland. So these all are the types of endocrine glands. ये सभी types of endocrine glands है. So किधर किधर body में present रहते हैं. So this is a pineal gland, right? It's a pineal gland and it's a pituitary gland. Pituitary gland जो इधर present रहती है. And thyroid gland, right? This one is thyroid gland. Then पैराथायराइड ग्लैंड, ये जो है पैराथायराइड ग्लैंड इधर रिप्रेजेंट रहती है बिहाइंड द थायराइड. फर्स्ट थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड मीन्स पैराथायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड जो है हार्ट के ऊपर